जनाब हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और इस ज़ौक में बन रहे हैं आज क्या जबरदस्त सा अंडों का हलवा। आपने देखा कितना इंस्टेंट था, आपके घर मेहमान आए हैं आप दो अंडों का फटाफट बना लीजिए, कोई ऐसा मसला नहीं है कि दूध थोड़ा ज्यादा या कम भी हो जाएगा तो वो भुनने में सही हो जाएगा। मीठा का डेफिनेटली आपको पता होगा आपके घर वाले किस हिसाब से खाते हैं, जो मैंने आपको रेशियो बताया आप उस हिसाब से आप उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद आप इसको कम या ज्यादा थोड़ा बहुत कर सकते हैं। लेकिन हलवे में मीठा अच्छा लगता है, थोड़ा सा मीठा होना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा खाया जाता है, बहुत ज्यादा नहीं खाया जाता, और अंडे का हलवा बहुत ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए, गर्म होता है। और इसके अलावा अब जो इसमें जो चीज जा रही है पाउडर मिल्क है जो तकरीबन ऐसा आधा कप के करीब है। अच्छा यहाँ पर अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो इसमें खोया शामिल करके थोड़ा सा इसको मिक्स कर ले। मैं इसको मिक्स करती हूँ, मिक्स करके थोड़ा सा मजीद इसको भूनूंगी और उसके बाद हम इसको निकाल लें। अब आप देखें कितनी अच्छी सी हलवे की शक्ल हो गई है। येलो फूड कलर और डालना चाहें और डाल लीजिए, लेकिन मुझे लगता है ये बिल्कुल सही कलर है ना। थोड़ा सा इसको मजीद भूनूंगी, लेकिन आँच हम मैंने तेज कर दी है, ठीक है ना, ताकि बाज़ुकत क्या होता है कि अगर दूध प्रॉपर वे में ना पड़ा हुआ हो तो क्या होता है कि अंडे जो है वो कर्डल हो जाते हैं और फटे फटे से लगते हैं, वो खाने में आपके मुंह में आएंगे तो अच्छे नहीं लगे। सूजी से क्या होता है कि ज़रा सा हलवा जो है आपका अच्छा थिक भी हो जाता है। एक अगर आप खाली अंडे का हलवा बनाते हो तो क्या होता है वो उसके ग्रेन से बन जाते हैं ज़रा से, जैसे गोल गोल से ना, और मिक्स होने के बाद वो खाने में ना चुई सा हो जाता है, वो उतना अच्छा नहीं लगता। थोड़ी सी सूजी डालने कोई हर्ज नहीं, अंडे महंगे है ना, तो इसको हम अच्छे से भून लेते हैं और उसके बाद हम इसको निकालेंगे। निकालने के बाद सर्व करेंगे खूब सारे। अब आप देखें दूध जब मैंने शामिल किया उससे एक इसमें बाइंडिंग सी आ गई हल्की सी ना, वरना आपको थोड़ा सा अलग अलग फील होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, सही ना, भूनते जाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर फरजाना फैसल ने अगर नहीं देखा होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने फरमाइश की थी, और उन्होंने फरमाइश नहीं की थी, उन्होंने रेसिपी पूछी। मैंने सोचा आज मैं अकेली हूँ तो मैं ये काम भी कर लूँ, फरहाना होती है तो हम लोग बातें करते हैं गप्पें करते हैं तो इतना टाइम का पता नहीं लगता। अच्छा अब बिरयानी बन रही है तो उसके साथ रायता होने भी जरूरी है, मीठा तो हमने बना लिया, सैलेड हमारे पास बना रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे एक थोड़ा सा रायता बना लेते हैं। रायता दरअसल सिंपल है, चूँकि ये पुलाव बिरयानी है तो इसमें थोड़ा सा स्पाइसी रायता हम रखेंगे, और ये बिरयानी बहुत स्पाइसी भी नहीं है ना। अच्छा इसमें हम थोड़ा पानी डाल लेते हैं। अच्छा कभी भी जब आप रायता बनाते हैं तो कुछ लोगों को मैंने देखा है दही में तमाम चीज़ें डालते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं तो उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर देते हैं, उससे क्या होता है कि वो दही जो है वो पतला पड़ जाता है और फिर वो क्या होता है रायता बहुत ख़राब हो जाता है। आप अलग से उसको पानी डाल के ब्लेंड करें फिर उसके बाद आप दही में शामिल करें, कि अगर आपको थोड़ा बहुत दही में पानी डालने की ज़रूरत है तो इस तरह से पूरी हो जाएगी। थोड़ा सा मैंने पानी लिया है, एक हरी मिर्च इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, कुछ मैं डाली हूँ कुटी हुई काली मिर्चें तकरीबन हाफ अ टीस्पून, थोड़ा सा नमक डाल के इसको ब्लेंड करते हैं। और हमारे साथ एक कॉलर है उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मैं आपसे सेकंड टाइम कॉल किया है। अच्छा, बात कर रही हूं। जी जी, क्या नाम बताया आपने? मैं नाजो बात कर रही हूँ। नाजो जी, नाजो बताइए आपकी क्या नाजबरदारी की जाए? मेरी कोई नाजबरदारी नहीं करे, आप बहुत अच्छे खाने बनाती, मुझे बहुत शुक्रिया, बहुत पसंद है आपकी सारी रेसिपी। चले बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह। फरमाइश बताएं क्या है? मुझे ना पास्ता की रेसिपी चाहिए थी। पास्ता की? वैसे मैंने अभी शायद रिसेंटली ही बनाया पास्ता, लेकिन कोई मसला नहीं, बना देंगे, फिर बना देंगे, कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच। चले हाँ, अभी चिल्ड्रन डे पे बनाया था मैंने पास्ता, बड़ा अच्छा सा पास्ता बना था। बहरहाल इंशाल्लाह जरूर बना देंगे, क्योंकि हमारे कॉलर जो फरमाइशें करते हैं तो फिर बार बार हम वो चीज़, आपने देखा जैसे बिरयानी हम चाहे आलू की बनाए लेकिन बनाते जरूर हैं, जैसे हमने कल आलू की बिरयानी बनाई थी। यहाँ पर ये दम हो रही है, मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ, फिर मैं आधा किलो दही के अंदर इसको मिक्स कर दूंगी। शानदार सा रायता हमारा तैयार हो जाएगा, फुल मेन्यू तैयार। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की। हमने शामिल किया इसके अंदर आधा किलो दही के लिए हमने लिया है तो थोड़ा सा पानी लिया था, एक बड़े साइज के हरी मिर्च दो ले लीजिए, या आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ी सी काली मिर्चें डाली, नमक डाला, और जनाब ये रायता जो है वो तैयार है। थोड़ी बहुत चीज़ें अगर चंकी भी रह जाती हैं तो नेवर माइंड, इसको मैं मिक्स करूंगी और मिक्स करने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। और यहाँ बिरयानी भी हमारी दम पर है, लेकिन कॉलर है, कॉलर से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं खदीजा बात कर रही लाहौर से। जी खदीजा, वेलकम टू द शो, कैसी हैं खदीजा? अल्लाह का शुक्र है, मेरी जिंदगी में पहली दफा आपके शो में मैंने कॉल की है, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ आपसे मेरी बात हो रही है, और आपका शो मुझे इतना पसंद है। कितना पसंद? नहीं ये तो बताना पड़ेगा जी, जी। ये तो बताना पड़ेगा कितना पसंद है। हद से ज्यादा, हद से ज्यादा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, और इसी तरह से हमें
आप अप्रिशिएट करते रहे और हम आपके लिए प्रोग्राम कर जल्दी से बता दें फरमाइश क्या है। अभी आप भी बनाती है, मुझे हर चीज पसंद है, बस मैंने आपकी तारीफ करनी थी आपके जो की बहुत और आपकी तमाम जो आपके लोग काम करते हैं सबके लिए ये देखिए हाँ, ये आपको खुश रखे आमीन सुम आमीन। ये हमारी पूरी टीम एफर्ट होती है जो मतलब हम लोग तो सामने नजर आते हैं लेकिन हमारे पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत चीजें प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सब चीजें देखते हैं करते हैं, आप लोगों की फोन कॉल लेते हैं और हमारी आपसे बात कराते हैं। थैंक यू सो मच। इनशाला रेगुलर कॉल किया इनशाला बिल्कुल हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलिए जी यहाँ ब्रेक का टाइम आ गया है, रायता तैयार है, हलवा तैयार है, बिरयानी भी आई होप तैयार होगी, तो क्यों ना ब्रेक ले लें ताकि मैं जल्दी तमाम चीजें निकाल लें। लेते छोटा सा ब्रेक। चनियोटी पुलाव बिरयानी, अच्छा बकरे का गोश्त 1.5 किलो, बासमती चावल 750 ग्राम, अदरक लहसुन पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच, प्याज 2 अदद, टमाटर 3 से 4 अदद, मिक्स गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 8 से 10 अदद, घी 1 कप, नमक हस्बे ज़ौक, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, सूखे आलू बुखारे 8 से 10 अदद, तेजपत्ता 2 से 3 अदद, रायते के लिए दही 1/2 किलो, काली मिर्च हस्बे ज़ौक, नमक हस्बे ज़ौक, हरी मिर्च 2 अदद, सलाद के लिए खीरा 1 अदद, टमाटर 1 अदद, प्याज 1 अदद, सलाद पत्ता हस्बे जरूरत। चनियोटी पुलाव बिरयानी बनाने के लिए गोश्त में नमक मिर्चें अदरक लहसुन का पेस्ट साबुत गरम मसाला और पानी डालकर पकाएं। जब गोश्त गल जाए तो इसमें टमाटर आलू बुखारा हरी मिर्च और गरम घी शामिल करके भून लें। इसके बाद पानी डालकर उबाल आने तक पकने दें। आखिर में भीगे हुए चावल शामिल करके पकाएं और दम पर रखें। रायता और सलाद के साथ सर्व करें। रायते के लिए दही में काली मिर्च, नमक और पिसी हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें।